हेलो दोस्तों, तो आज का हमारा टॉपिक है पीटॉट ट्यूब। देखिए पीटॉट ट्यूब क्यों इस्तेमाल होती है और उसका फॉर्मूला क्या होता है वो हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहली बात कि ये पीटॉट ट्यूब इस्तेमाल करनी ही क्यों है, ठीक है। जैसे जैसे रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, हम वैसे वैसे नई नई इन्वेंशन करते रहते हैं। तो इसकी इन्वेंशन कब हुई, ठीक है, तो इसकी इन्वेंशन हुई कहीं की वेलोसिटी पता करनी है आपने, ठीक है। आपके पास फ्लूइड फ्लो हो रहा है, ठीक है, हमने देखा वेंचुर मीटर, दूसरा दिखा ऑरिफिस मीटर। इसमें हमने जो निकाला वो था क्यू। क्यू क्या था हमारे पास? डिस्चार्ज। हमने डिस्चार्ज पता किया था कि कितना मेरे पास कोई क्वांटिटी पर सेकंड मेरे पास आ रही है, डिस्चार्ज पता किया था। तो हमें पीटॉट ट्यूब हेल्प करेगी वेलोसिटी पता करने में। कहीं मान लो ये कि हमारे पास यहां पे पानी फ्लो कर रहा है, ओपन चैनल है, और उसको बोल दिया कि बताओ यहां की वेलोसिटी बताओ। तो एक करना क्या है, ट्यूब है पीटॉट ट्यूब, एक एल शेप ट्यूब, हमारे पास जो ट्यूब हो उसको मैं एल शेप बना के इसके अंदर यहां पे रख दूं और उसका कुछ डिजाइन थोड़ा सा चेंज करें, ठीक है, और उसको पीटर ट्यूब की तरह इस्तेमाल करें। किस तरह से? ये एल शेप ट्यूब यहां पे आएगी, ये एल शेप है, यहां पे ये आ गई, और आगे से इसका मुंह जो है थोड़ा सा बंद कर देंगे, ऐसे बिल्कुल थोड़ा सा खोलेंगे, ठीक है, और इस तरह से ये होगा, समझ रहे। तो ये क्या है हमारे पास? पीटॉट ट्यूब है। ये क्या करने के लिए हमारे पास ये वाला, इस टाइम मैं बता रहा हूं, जो हमारे पास ओपन चैनल में इसकी डेरिवेशन करेंगे, ओपन चैनल में फ्लूइड की, ओपन चैनल है और फ्लूइड की वेलोसिटी पता करने के लिए, वेलोसिटी पता करने के लिए यूज करेंगे, ठीक है। और इसका इस्तेमाल कहां कहां होता है? देखिए फ्लाइट्स होते हैं ना, जब हम ट्रेवल करते हैं, ठीक है, एरोप्लेन है, तो एरोप्लेन में हमारे पास वेलोसिटी पता करने के लिए ये पीटॉट ट्यूब लगी होती है। और हम कहें कि ये छोटी मोटी तो चीज है ना, ऐसे ही है, तो अगर ये सही तरह वेलोसिटी ना दिखाए ना आपके, एक छोटी सी क्लिप दिखा रहा हूं, इसमें दिखाया क्या है, इसमें दिखाया कि पीटॉट ट्यूब खराब होने के कारण वेलोसिटी सही पता नहीं लगी और जो फ्लाइट थी उसकी स्पीड सही पता नहीं लगी और वो प्रॉब्लम आ गई, उसमें क्रैश हो गया। Covered the bodies of 17 of the passengers, male and female, who had been on board doomed Air France Flight 447. Geraldo, it's called the pitot probe. It's the device that actually measures the aircraft's airspeed, and it's a critical piece of equipment and may have malfunctioned on the Air France, causing it to crash. ठीक है, तो ये प्रॉब्लम आ सकती है, तो ये प्रॉब्लम आ सकती है पीटॉट ट्यूब सही यूज ना हो तो। अब हमारे पास कैसे करनी है, इसकी छोटी सी डेरिवेशन है, उसको कैसे करेंगे? देखिए हमारे पास ये सबसे पहले ये करना है कि इसका यहां पे नंबर वन पॉइंट लेना, ये मान लेते कि वन पॉइंट ये है और टू पॉइंट ये है, जो इसका मुंह है ना यहां पे, ये टू पॉइंट है, नंबर टू पॉइंट है। अब वन और टू दोनों जमीन से बराबर की ऊंचाई पे है, ये भी हमें देखना पड़ेगा, ठीक है। अब हम करेंगे क्या, हम करेंगे कि बर्नौलीज इक्वेशन लगा देंगे इस पे, और बर्नौलीज थ्योरम है उसको यूज करेंगे और इसके में वैल्यू वन और टू में लगाएंगे। अब बर्नौलीज थ्योरम क्या कहती है, अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज थ्योरम क्या है, वन पॉइंट पे एनर्जी और टू पॉइंट पे एनर्जी दोनों का सम जो है, वन पे टोटल सम एनर्जी का और टू पे वो सेम होना चाहिए। तो यहां पे पी वन बाई रो जी प्लस वी वन स्क्वायर बाय टू जी प्लस जी वन, जेड वन मतलब हाइट है ना, ठीक है, अगर आपने बर्नौलीज नहीं समझी तो वो भी समझ लीजिए पहले, ठीक है, पी टू बाय रो जी प्लस वी टू स्क्वायर बाय टू जी प्लस जेड वन, जेड टू सॉरी, तो जेड वन जेड टू सेम है तो वो कट जाएंगे, तो मुझे उसको लिखने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि उसकी जमीन से हाइट वन की
जमीन से हाइट टू से टू की जो है जमीन से हाइट वो सेम है, तो जेड वन जेड टू कैंसल आउट हो गए, उसकी हमें टेंशन नहीं है। अब एक और चीज समझने वाली है, क्या है कि जब फ्लूड फ्लो करेगा और पीटोट ट्यूब की शेप इस तरह रखी गई है कि टू पॉइंट पे आके इसकी काइनेटिक एनर्जी खत्म हो जाए, काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाए, फ्लूड की काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाए, ठीक है। इस कैसे होता है, ये पॉइंट कैसे बनेगा और किस तरह से समझना, देखिए टू पॉइंट पे अगर एनर्जी, देखो एनर्जी हमारे पास दो रहेगी ना, ये देखिए एक है मेरे पास प्रेशर एनर्जी और दूसरी कौन सी है, काइनेटिक एनर्जी, जिसे हेड के रूप में मैंने लिखा हुआ है। अगर मेरे पास एक एनर्जी खत्म होगी ना, अब एनर्जी वही बात फिर से कि एनर्जी कभी खत्म तो होती नहीं है, कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है, अगर वर्ड सही यूज करें तो कन्वर्ट हो जाती है। तो काइनेटिक एनर्जी अगर यहां जीरो हो जाएगी, वो सारी की सारी प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, वो सारी की सारी किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, प्रेशर एनर्जी में, और वो प्रेशर एनर्जी मुझे पता लगेगी इसके अंदर फ्लूड जब राइज कर जाएगा, इसके अंदर ऊपर फ्लूड राइज कर जाएगा, जो फ्लूड राइज कर जाएगा मैं मान लो उसको कहता हूं एच वन, यहां से लेके यहां तक एच वन, और यहां से लेके यहां तक ये जो पॉइंट है ये हाइट लेते हैं एच नॉट, और ये भी यहां से लेके यहां तक क्या है एच नॉट, ये है। और जब भी ऐसा होगा इस पॉइंट को, टू पॉइंट को क्या कहेंगे हम, टू पॉइंट, ये टू पॉइंट है उसको कहेंगे स्टैग्नेशन पॉइंट, स्टैग्नेशन पॉइंट। स्टैग्नेशन पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां पे जाके फ्लूड की काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाती है, ठीक है। तो हमारे पास एनर्जी वही दो थी, ये अगर कम हो रही है, ये जीरो हो रही है, तो ये सारी इसमें कन्वर्ट हो जाएगी, तो इसकी हाइट हमें बता देगी, प्रेशर एनर्जी जो है यहां की प्रेशर एनर्जी हमें पद दिखा देगी, समझ रहे हो। तो सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी प्रेशर हेड में कन्वर्ट हो रही है, तो उसका हम फायदा उठा लेंगे। उसका फायदा किस तरह से उठाएंगे, देखो हमारे पास यहां पे यहां तक पहुंच चुके हो, अब देखिए काइनेटिक एनर्जी टू पॉइंट पे जीरो है, यहां पे लिख दिया, क्यों, क्योंकि स्टैग्नेशन पॉइंट है। अब स्टैग्नेशन पॉइंट है तो यहां की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो, सिंपल सी बात। तो पी वन बाय रो जी, पी वन बाय रो जी प्लस वी वन स्क्वायर बाय टू जी इजिकल टू, ये जीरो हो गया सारा, तो ये क्या आ गया, पी टू बाय रो जी, ये आ गया हमारे पास, ठीक है। अब एक चीज देखो, अगर मैंने वन पॉइंट पे किसी का ये प्रेशर देखना है, तो प्रेशर देखने के लिए क्या होता है, पी वन, पी का फॉर्मूला क्या होता है, रो जी एच, रो जी एच, एच क्या है यहां पे, एच नॉट, तो एच नॉट कैसे निकाल सकते हैं, एच नॉट इधर रख ले तो पी वन बाय रो जी, ये निकल सकता है ना इस तरह से, तो पी वन बाय रो जी क्या आ गया, एच नॉट, तो एच नॉट प्लस वी वन स्क्वायर बाय टू जी इजिकल टू पी टू बाय रो जी, ठीक है। ये एक इक्वेशन हमारे पास बन गई जो हमने यूज करनी है आगे जाके। अब दूसरा, अब यहां पे मैनोमेट्री लगाएंगे, मैनोमेट्री का मतलब मैनो, जैसे हम आपने मैनोमीटर वाली सारी वीडियो देखी होंगी, तो मैनोमीटर वाली वीडियो में मैंने समझाया हुआ है आपको कि कैसे प्रेशर, पी प्रेशर पता करना है, तो रो जी एच कहां से लेना है, कैसे लेना है, अगर नहीं पता तो आप प्लीज वो वाली आप जरूर देखें वीडियो, ठीक है। तो यहां से स्टार्ट करते हैं, यहां से ओपन एटमोस्फियर है, ठीक है। तो यहां पे अगर एटमोस्फियर को नहीं लेते, ठीक है, उसकी वैल्यू को नहीं लेते, तो उसको जीरो ले लेते हैं यहां पे, जीरो। तो यहां लिख देता हूं अप्लाइंग, अप्लाइंग मैनोमेट्री प्रिंसिपल, मैनोमेट्री लगा रहे हैं, ठीक है। तो आप इस चीजों का यार देखो, मैं थोड़ा सा इसमें भुलक्कड़ हूं, कुछ चीजें अप्लाइंग ये वो मैं नहीं लिखता, और इसके कारण काफी मुझे प्रॉब्लम आती थी एग्जाम में, ठीक है। आप प्लीज इसको जरूर लिखें, ठीक है, जब आप थ्योरी का पेपर दे रहे हैं तो इन चीजों का ध्यान रखना पड़ता है हमें। तो अप्लाइंग मैनोमेट्री प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल ये यूज कर रहे हैं हम, प्रिंसिपल, ठीक है। तो ये प्रिंसिपल में क्या होगा, यहां की वैल्यू, यहां प्रेशर जीरो है, प्लस यहां से नीचे आते हैं तो रो जी एच वन, रो जी एच वन यहां तक का आ गया, यहां से लेके यहां तक आते हैं तो रो जी एच टू, एच सॉरी एच नॉट, यहां एच नॉट है ना, एच नॉट, तो इक्वल टू किसी आएगा, यहां के प्रेशर का पी टू, इस प्रेशर के बराबर आ जाएगा। अब इसमें से क्या करेंगे, रोजी कॉमन निकालेंगे, रोजी कॉमन निकाल के एच वन प्लस एच नॉट इजिकल टू पी टू, ये रोजी नीचे आ सकता है, तो मैं इसको नीचे लिख लेता हूं,
रोजी ये नीचे आ गया, ठीक है। अब हमारे पास ये देखिए P2 by rho g इसके बराबर है, P2 by rho g इसके बराबर है, तो दोनों ये दोनों एक दूसरे के बराबर आ सकते हैं, तो टू इक्वेशन और वन इक्वेशन को हम आपस में बराबर लिख सकते हैं। तो H0 वन और टू से, ठीक है, वन एंड टू से क्या आ गया, H0 प्लस V1 square by 2g is equal to ये वाला H1 plus H0, तो हमारे पास ये कैंसिल हो रहा है H0, तो ये क्या रह गया V1 square, अब 2g इधर आ गया, 2g और H1 आ गया, और अगर मैं स्क्वेयर इधर ले जाऊं तो स्क्वेयर आके अंडर रूट बन जाएगा, तो मेरा आंसर आ जाएगा, V1 का आंसर आ जाएगा रूट 2gh1। अब मतलब क्या है कि यहां की वेलोसिटी पता करनी है, तो फ्लूइड की वेलोसिटी पता करनी थी, यहां की वेलोसिटी पता करनी है, तो हमें सिर्फ ये हाइट चाहिए, सिर्फ ये। यार आप समझ के देखो, जो बनाने वाला है ना उसने ऐसा बना के देना है कि आपने सिर्फ ये वैल्यू देखो, इसमें डालो और आंसर आ जाए, कि आप कंफ्यूजिंग मत हो। वो चाहता है कि हर चीज को आसान बनाया जाए, ठीक है। लेकिन हमें क्या दिक्कत आती है, हम पढ़ाई को ज्यादा सीरियस लेते नहीं, और मजा हम जाते हैं पता नहीं क्या होगा यार, ठीक है, पता नहीं बोझ आया इधर उधर कर लिया, ठीक है। अगर हमें बर्नौलिस थ्योरम सही पता है, हमें मैनोमेट्री प्रिंसिपल सही पता है, तो क्या था इसमें, कुछ भी नहीं था, और आखिर में मिला क्या, रूट टू जी एच वन, इसका फॉर्मूला मिल गया। फॉर्मूले से क्या आ गया, सिर्फ एच वन पता होना चाहिए, और क्या हो जाएगा कि ये मेरे पास वैल्यू आ जाएगी, यहाँ की वेलोसिटी पता लग जाएगी। तो अगर आपके पास पीटोट ट्यूब है, तो आपने सिर्फ पानी में डालना है, हाइट देखनी है पानी से ऊपर कितनी हाइट रह रही है, वही हाइट एमएमए है, तो आप एमएमए यहां पे उसमें मीटर में कन्वर्ट करना है, मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर में होता है, तो मीटर है, तो यहां भी मीटर में वैल्यू लेंगे, उसमें कन्वर्ट करो मीटर में, और हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो वी वन वेलोसिटी पता लग जाएगी, और क्या चाहिए मेरे भाई, इतना आसान होता है चीजों को समझना, लेकिन हमें शायद थोड़ा सा मुश्किल समझाया जाता है, इसलिए थोड़ा मुश्किल लगता है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ समझ आई या नहीं आई, मुझे कमेंट में जरूर बताएं, और मेरी वीडियो को शेयर करने की आप मेरे साथ हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। तो मुझे बहुत सपोर्ट की जरूरत है, इस टाइम मेरा चैनल ग्रो कर रहा है, ठीक है, आपकी शेयर से और ज़्यादा ग्रो कर सकता है, ठीक है। अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं, तो मेरी वीडियो को फेसबुक या कहीं और ट्विटर वगैरह पे शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।